हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की एक रेसिपी, और ये रेसिपी राजस्थान और गुजरात में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले हमने ये रेसिपी बनाने के लिए हमें अरहर दाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसे सोक कर दिया था वाटर में 1 आवर पहले ही। अब हम इसका पानी सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने बाहर निकाल दिया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले दाल बनाएंगे। यहाँ हम सबसे पहले कुकर में दाल ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने सारे दाल ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा हल्दी ऐड कर लेते हैं और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, आपको जितना पसंद हो ज़्यादा या कम। एक ग्लास पानी ऐड कर लेते हैं। जब तक इसमें अच्छी तरह से 3 से 4 सीटी ना आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं गैस को ऑन, और कुकर में 3 से 4 सीटी अच्छी तरह से आ जाने देते हैं। जब तक हमारी दाल उबल रही है तब तक हम इसके आटे की तैयारी कर लेते हैं। आटे के लिए हमने 1/2 कप व्हीट फ्लोर लिया है और 2 टेबल स्पून हमने बेसन मिक्स किया है इसमें। हल्के गुनगुने पानी से हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। आटे को हमें बिल्कुल इसी तरह बनाना है जिस तरह हम चपाती बनाने के लिए डो बनाते हैं। ज़्यादा गीला, हल्का सा सॉफ्ट। 1 टेबल स्पून घी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ हमारा डो अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस लोई को हाथ में ले लेते हैं और एक बार अच्छी तरह से मिला देते हैं इस तरह से। अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा इसमें आटा ऐड कर देते हैं हम, ताकि हम इसे ईजिली बेल लें। चलिए अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। इसे हर तरफ से आपको बराबर बेलना है, कहीं ना मोटा ना पतला, हर तरफ एक सा होना चाहिए। अब हम एक नाइफ के हेल्प से इसे इस तरह से कट कर लेते हैं। आपको जैसा शेप पसंद हो आप वैसा शेप दे सकते हैं। सबसे पहले हम बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर अब हम इन्हें भी 2 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये पानी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब हम अपनी ढोकली को एक एक करके इसमें अच्छी तरह से ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट दाल बनाने के बाद आप दाल में भी इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। इस तरह बनाने का फ़ायदा ये है कि आपकी सारी एक एक ढोकली अलग अलग हो जाती हैं, और जब आप डायरेक्ट दाल में मिक्स कर देते हैं तो वो कई बार पूरे दाल में चिपक जाती है। ढक देते हैं स्टीम से पकने के लिए। ये 2 से 3 मिनट पकेगा। यहाँ हमारी सारी ढोकली बहुत अच्छी तरह से उबल कर बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे रखते हैं साइड में और इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई रख देते हैं अच्छी तरह से गर्म होने के लिए। यहाँ हमारी दाल भी बहुत अच्छी तरह से गलकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, घी में और अच्छा टेस्ट आता है, पर मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लिया है। यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें सबसे पहले तेज़पत्ता ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम जीरा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा सरसों भी ऐड कर लेते हैं हम। इन्हें 10 सेकंड के लिए क्रैक होने देते हैं। अब हम इसमें अपने प्याज को ऐड कर लेते हैं।
प्याज को हल्का सा ब्राउन हो जाने देते हैं, फिर हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। प्याज हल्की सी भून चुकी है, अब हम इसमें कड़ी पत्ते को ऐड कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। थोड़ा इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं हम, थोड़ा सा नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला ऐड कर रहे हैं हम इसमें। हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं, इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं। जब तक हमारी टमाटर अच्छी तरह से नरम ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। टमाटर हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसे दबाने से ये इस तरह से दब जा रही है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा अमचूर पाउडर, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आने लगेगा। अभी कच्चे आम आ रहे हैं बाजार में, तो अगर आप चाहें तो आप उसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कच्चे आम से। यहाँ हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भूनकर रेडी हो चुके हैं, अब हमने जो दाल बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे फर्स्ट अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारी दाल तो पहले से पकी हुई थी ही, और हमारी ढोकली भी पहले से बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी अलग अलग है। अब हम इसे भी इसी में ऐड कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको आपकी बनाई हुई दाल ज़्यादा गाढ़ी सी लग रही है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट पानी इसमें ऐड नहीं करना है, आपको पहले वो पानी को हल्का गुनगुना कर लेना है फिर इसमें ऐड करना है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम एक काम करते हैं, लीड लगाकर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं, ताकि ढोकले के अंदर जितना भी मसाला है, जो भी हमारा दाल का है, जो भी फ्लेवर है, सारा वो बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले। 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, अब हम लीड हटाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी ढोकली इसमें बहुत अच्छी तरह से मिल गई है या नहीं। आप देख सकते हैं हमारी ढोकली की भी कलर चेंज हो गई है इसमें मिक्स होते ही, तो राजस्थान और गुजरात की फेमस दाल ढोकली बनकर आपके सामने तैयार है। तो चलिए अब हम सबसे लास्ट में इसमें धनिया पत्ते से गार्निश कर देते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। आप चाहे तो लास्ट में 1 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत दाल ढोकली बनकर तैयार हुई है, देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो हमारी बहुत ही स्वादिष्ट दाल ढोकली मिनटों में बनकर तैयार हो गई है, आप भी अपने घर में बनाएं और खाएं। और हाँ, मेरी पूरी रेसिपी देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।